तो अभी हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo Y100 वर्सेस Vivo Y200। Vivo Y100 की ग्रेट सक्सेस के बाद Vivo अभी लॉन्च कर रहा है Y सीरीज का नेक्स्ट मॉडल Vivo Y200। तो इसकी प्राइसिंग क्या होगी और इसके फीचर्स क्या होंगे और दोनों फोन्स में कौन सा अच्छा फोन है, तो यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं हूं हेमंत धरमदास और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के लॉन्च डेट की। Vivo Y100 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 16 फरवरी 2023 को, तो Vivo Y200 लॉन्च होने वाला है 23 अक्टूबर 2023 को। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के रैम और उसके इंटरनल स्टोरेज की। तो दोनों फोन्स में हमें कॉमन रैम और कॉमन स्टोरेज देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ पे हमें एक ही वेरियंट देखने को मिलता है दोनों फोन्स में, जो की है 8GB + 128GB। तो अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के प्रोसेसर की। Vivo Y100 में हमें MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वहीं पे मैं Vivo Y200 की बात करूं तो यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon 4th Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, तो यहाँ पे Snapdragon से MediaTek का प्रोसेसर कई गुना बेहतर है। Y200 में आपको एक एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर आप एक साल कंटिन्यूस गेमिंग करेंगे तो लैग आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन Vivo 100 में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक अच्छा प्रोसेसर है, मस्त है, गेमिंग वगैरह आप ठीक ठाक मस्त तरीके से कर पाओगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पॉइंट जाता है Vivo Y100 को। तो अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरा के बारे में। Vivo Y100 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। वहीं पे मैं Vivo Y200 की बात करूं तो यहाँ पे हमें सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। तो यहाँ पे कैमरा से तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, एक डेप्थ कैमरा यहाँ से हटाया गया है, तो इससे तो मैं यहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। तो फ्रंट कैमरा की बात करूं तो दोनों में हमें यहाँ पे 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है Vivo के कैमरा बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें से लाइट पास बहुत ही अच्छा होता है, कलर कैप्चर भी बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, तो इसमें दोनों में कैमरा बेस्ट है। और दोनों फोन्स में हमें यहाँ पे OIS का भी फीचर देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी पॉइंट आता है Vivo Y100 को। तो अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। Vivo Y100 में हमें 6.3 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वहीं पे मैं Vivo Y200 की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6.6 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे डिस्प्ले हमें Y200 में अच्छा है, तो यहाँ पे पॉइंट जाता है Y200। तो अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के बैटरी बैकअप और उसके चार्जर के बारे में। Vivo Y100 में हमें 4500 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है विद 44 वाट्स फास्ट चार्जर। वहीं पे Vivo Y200 में हमें 4800 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है विद सेम 44 वाट्स फास्ट चार्जर। तो यहाँ पे हमें बैटरी बैकअप भी एक अच्छा देखने को मिलता है Y200 में, तो यहाँ पे पॉइंट जाता है Y200 को। तो अब बात कर लेते हैं फोन के कलर की। Vivo Y100 में हमें 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, गोल्ड, ब्लू और ब्लैक। वहीं पे Vivo Y200 में हमें सिर्फ 2 ही कलर्स देखने को मिलते हैं, एक है ग्रीन और एक और गोल्ड। तो अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की कनेक्टिविटी की। दोनों फोन्स में हमें डुअल सिम 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो यहाँ पे दोनों तरफ भी हमें वाईफाई 4 तक सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ में हमें वेरी करता है। Vivo Y100 में हमें सिर्फ वर्जन 5.2 तक सपोर्ट करता है, लेकिन Y200 में हमें यहाँ पे वर्जन 5.3 तक भी सपोर्ट करता है। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के प्राइसिंग की। एक गजब की बात बताता हूँ, Vivo Y100 आपको सिर्फ और सिर्फ 17,500 में मिलेगा। यस, 17,500। कहाँ पे? फ्लिपकार्ट पे नहीं, क्रोमा पे ढूंढना है आपको। क्रोमा का स्टोर आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 17,500 में मिलेगा। और वहीं पे मैं Vivo 200 की बात करूँ तो Vivo Y200 आपको देखने को मिलेगा 22,000 में, मतलब 22,000 में देखने को मिलेगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे Y200 क्यों निकाला समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो Y100 का ही अच्छा है, तो Y200 लेके क्या फायदा। और प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है इसका, और Y100 का कम है, और क्रोमा पे तो कितना कम में मिल रहा है। तो मुझे पर्सनली Y100 ही पसंद आया, और इसके कलर्स भी चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे Y200 में हमें एक छोटा सा रिंग लाइट भी देखने को मिलता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो प्राइस में फर्क पड़ता है, प्रोसेसर में फर्क पड़ता है, चार्जर सेम है,
तो बाकी सब तो Y100 का ही अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे पर्सनली Vivo Y100 बहुत ही पसंद आया एज कम्पेयर टू दी Y200। तो यही थी गाइस आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना आपको मालूम है, हाँ एक लाइक कर देना, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस कंपैरिजन वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो। और दोनों प्रोडक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है या फिर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो।